नमस्कार, वंस अगेन वेलकम टू अनदर इंस्टाग्राम लाइव एंड टुडे माय टॉपिक इज अबाउट अगेन इनटू द ब्रांड एंड ब्रांड मैनेजमेंट एंड टुडे वी विल कवर अबाउट कि व्हाट कम फर्स्ट, पहले क्या आता है, ब्रांडिंग या मार्केटिंग, कि दोनों की जरूरत तो है बिकॉज बोथ आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। हाय अपूर्व, सो इट नॉट लाइक दैट कि अगर ब्रांडिंग करना जरूरी है तो मार्केटिंग जरूरी नहीं है, या मार्केटिंग करना है तो ब्रांडिंग जरूरी है नहीं। हेलो हेलो सर, हेलो। So, what is a brand? As I told you from the last two Instagram live, कि branding is more about creating your identity, through the different pattern, through your symbols, through your brand logo, through your emotions you are hiding, through the brand name. That's all create the branding. But when it come about what first come, branding or marketing? So there are the two different opinion. एक स्कूल ऑफ थॉट्स कहता है कि ब्रांडिंग कम फर्स्ट देन कम लेटर द मार्केटिंग, बट आई आस्क टू दोज पीपल, अगर हम ब्रांडिंग पहले करें तो ब्रांडिंग कैसे होती है? ब्रांडिंग होती है एक एक्टिविटी करने से। एंड व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग इज अ सेट ऑफ एक्टिविटी विच इज डन फॉर अ शॉर्ट टर्म और फॉर अ लॉन्ग टर्म विजन। व्हेन द ब्रांडिंग इज ऑल्सो डन बट अलॉन्ग विद द मार्केटिंग पार्ट, so that it create a long term vision and long term brand image about the company into the market। इसीलिए जब तक मार्केटिंग नहीं हो सकती है तब तक कंपनी की एक ब्रांड इमेज नहीं बढ़ सकती, क्योंकि मार्केटिंग मतलब एक एक्टिविटी, अ सेट ऑफ एक्टिविटी विच इज ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट टू कंप्लीट। विदाउट द मार्केटिंग सेल्स वोंट बी जनरेटेड, मतलब पैसा नहीं आ सकता। जब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनती है, मार्केटिंग प्रमोशंस होने लगते हैं, एक्टिविटी होने लगती है, उसके बाद ही धीरे धीरे लीड्स आने लगती है। पीपल स्टार्ट इंक्वायरिंग एंड दोस लीड्स फ्रॉम द प्रोस्पेक्ट गेट कन्वर्टेड बाय द कस्टमर केयर और बाय द सेल्स पीपल एंड इट जनरेट द रेवेन्यू बाय द कन्वर्जन ऑफ द प्रोस्पेक्ट। तो ये एक दूसरे से संबंध रखता है। सेल्स लास्ट पार्ट में आता है, उसके पहले आता है मार्केटिंग, और मार्केटिंग से ही कनेक्ट हो जाता है ब्रांडिंग। सो जितनी ज़्यादा आपकी मार्केटिंग एक्टिविटी स्ट्रांग रहती है, उतनी ज़्यादा आपकी ब्रांडिंग रहती है। डिपेंड्स व्हाट टाइप ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी यू अप्लाइंग टू पोजिशन योरसेल्फ एज अ गुड टाइप ऑफ डिफरेंट ब्रांड। लाइक एज आई टोल्ड इन द प्रीवियस इंस्टाग्राम लाइव के व्हेन वी लुक अबाउट द नाइकी, इट क्रिएट अ वेरी स्पोर्ट्समैनशिप, अ स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिक, अ स्पिरिट ऑफ a physical activity, a spirit of likelihood, a spirit of brotherhood when we like to wear about the Nike products or wear it brands in the shoes. When it come out Apple is about the premiumship, it's about the status quo, it's about the privacy, it's about the cool and creative part, it's about the comfort zone. इसीलिए लोग एप्पल को लेते हैं, इसलिए नहीं देखिए कि वो स्टेटस क्यों है। इंडिया में स्टेटस क्यों है? इफ़ यू गो इनटू द यूरोपियन कंट्रीज दैट द पीपल वोंट टेक द एप्पल वेरी ऑफन, दे विल गो फॉर द सैमसंग एंड अदर ब्रांड। व्हेन इट कम अबाउट द सैमसंग इमोशन क्या होता है? सैमसंग इमोशन इज रिलायबिलिटी, ट्रस्ट, बेस्ट टेक्नोलॉजी, यूजर फ्रेंडली, ये सैमसंग रहता है। तो वैन एवर यू हैव बीच में एक टेस्ट किया गया था, देयर वाज बीन टेस्ट मेड बाय सम योर प्रोफेसर ऑफ पेनिस्लाविया, या आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, ठीक है, यूएस की यूनिवर्सिटी ने इस पर रिसर्च किया था, कि उन्होंने दिखा था दो ब्रांड बताए गए थे, वन इज द एप्पल, वन इज द सैमसंग, और दोनों को बताया गया, दोनों लॉयल कस्टमर थे, एक एप्पल के थे, एक सैमसंग के थे। जब एप्पल को नेगेटिव बात बताई गई तो थोड़े फेशियल एक्सप्रेशन अजीब से हो गए, और जब भी पॉजिटिव बात बताई गई तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन कुछ अच्छे रहे, ओके। और जब भी सैमसंग के ऑडियंस पर टेस्ट किया गया अलॉन्ग विद MRI एंड ऑल दोस मशीनरी, उसमें भी यही हुआ। व्हेन दे वाज शोइंग अबाउट द सैमसंग द पॉजिटिव एक्सपेक्ट, उनको काफ़ी अच्छा फील हो रहा था, एंड व्हेन दे शो अबाउट द नेगेटिव एक्सपेक्ट ऑफ द सैमसंग ब्रांड, दे वाज फीलिंग लिटिल बिट अनकम्फर्टेबल। तो ये पता चलता है कि हम लोग ब्रांड इसीलिए लेते हैं क्योंकि हमारे इमोशन जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए हम स्पेसिफिक ब्रांड ही लेते हैं। लाइक एप्पल हैज़ क्रिएटेड इको सिस्टम, जानबूझ के इतना बड़ा इको सिस्टम बनाया है ना, लाइक यू कैन अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजी। देखो वहाँ पर भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आती है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ही आगे जाके ब्रांडिंग में कन्वर्ट हो जाती है, एंड इट क्रिएट अ ब्रांड इमेज। तो आई डिफर विद दोज पीपल, दोज हु से के ब्रांडिंग कम फर्स्ट, मार्केटिंग कम लेटर। अगर मैं बोलूँगा ये मेरा ब्रांड है तो कौन मेरे को जानेगा, या मेरे बारे में कौन मेरी प्रोडक्ट परचेस करेगा? जब तक कि मैं ब्रांड प्रमोशन या फिर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपना के प्रमोशन नहीं करता, तब तक कोई मुझे जान नहीं सकता, और वही जाके मेरी एक ब्रांड इमेज बनाती है, अच्छी बुरी, न्यूट्रल, कूल, क्रिएटिव, एग्रेसिव, डोमिनेटिंग, पैट्रियोटिक, ये सारे इमोशंस हैं। तो दैट्स द रीज़न
when we come about today's questions or today's title is, which come first, the branding or marketing? I'm not talking about the sales and marketing, but I'm talking about the branding pehle aata hai ya marketing. So I will say the marketing come first. Okay? Yes, Apurva, I agree. Brand value भी रहती है, पर brand value कब बनती है Apurva? जब आपकी प्रमोशन में आप एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा करते हो और उस एक्टिविटी के कारण कुछ आउटकम आता है. विदाउट एनी एक्टिविटी हाउ कम द ब्रांड कैन बी गेट नोटिस इन टू द मार्केट? जो भी ब्रांड्स आ रहे हैं, जो भी उनकी है, अच्छी ब्रांड है, बुरी ब्रांड है, तो मार्केटिंग इसलिए मैं पहले मानता हूँ, ब्रांडिंग सेकेंड पार्ट आ जाता है. मतलब वॉट कम फर्स्ट, दिस इज द टॉपिक ऑफ टूडेज इंस्टाग्राम लाइव. मार्केटिंग फर्स्ट और ब्रांडिंग फर्स्ट. मैक्सिमम मैं कुछ वीडियोज भी देख रहा था, आई वॉज लुकिंग अबाउट द अदर स्टफ ऑन द यूट्यूब एज वेल एज ऑन द अदर साइड. दे वर ऑल वर सेइंग के ब्रांडिंग कम फर्स्ट, मार्केटिंग कम लेटर. पर मेरा मानना अलग है कि मार्केटिंग पहले आता है फिर ब्रांडिंग आता है, क्योंकि मार्केटिंग होने से ही ब्रांडिंग होती है, उसके अलावा होती है तो ही ब्रांड वैल्यू बनती है. अब मैंने एक ऐड रन किया है या फिर मैं फ्री में कंटेंट बना रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी जो कंटेंट है, मतलब ये मार्केटिंग ही होगी. मैं जितना कंटेंट बनाते जा रहा हूँ, लोगों को समझ में आ रहा है कि ये कंटेंट डिलीवर कर रहा है, अच्छा क्वालिटी डिलीवर कर रहा है. यहाँ मैं सेलिंग कुछ कर नहीं रहा हूँ, ठीक है, तो व्हेन आई एम नॉट डूइंग एनी सेलिंग, पीपल विल क्रिएट द ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी एंड दे फील यस ही इज गिविंग विदाउट एनी ROI, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस. यस राणा, आई अग्री विथ यू, वैल्यू इज गिवन व्हेन द ब्रांड सॉल्व द इश्यू ऑफ द ह्यूमन. यस आई डू अग्री 100% कि वैल्यू इज ओनली गिवन व्हेन द ब्रांड सॉल्व द ह्यूमन इशू. दैट्स द रीजन, तभी तो कोई ब्रांड आता है मार्केट के अंदर में, तभी वो एस्टेब्लिश कर पाता है. जैसे सैमसंग ने एक नया ही तथ्य में लेके आ गया था, सो व्हेन देर इज नो मार्केटिंग देर विल बी नो प्रोडक्शन, सो इम्पॉर्टेंट इज मार्केटिंग. एग्जैक्टली, इवन आई से द सेम, मार्केटिंग इज इम्पॉर्टेंट, मार्केटिंग क्रिएट द ब्रांडिंग, तो मार्केटिंग कम फर्स्ट. कि जितना आप सॉल्व करते हो प्रॉब्लम मार्केटिंग के द्वारा या प्रोडक्ट सेलिंग के द्वारा, जो भी आप प्रोडक्ट हो या सर्विसेज में हो, देन ओनली इट विल क्रिएट अ गुड ब्रांड ऑन न्यूट्रल. लाइक यू टेक द एग्जाम्पल, व्हेन वी टॉक अबाउट द मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग इन द अर्ली 2000s, there was a very good holding of the Nokia into the handset production. Okay, nobody was able to beat the Nokia. बहुत सारे लोग आए, Motorola आया, Motorola was having a big handset, तकरीबन 500 ग्राम का था, इतना बड़ा सा था, ठीक है, तो वो कर नहीं पा रहा था. हेलो गिरीश, वो अपने आप को मार्केटिंग कर नहीं पा रहा था, बिकॉज हैंडसेट में यही सबसे ज़्यादा आ गया था. देन वी लुक अबाउट कि फिर आ गया एंड्रॉयड, और एंड्रॉयड में क्या हो गया, पीपल स्टार्ट टूअर्ड द न्यू टेक्नोलॉजी एंड नोकिया डू नॉट शिप देयर वर्क टूअर्ड द देयर व्हाट वी से, उनका एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम भूल गया, ठीक है, वो OS से लेकर एंड्रॉयड टू OS में शिफ्ट ही नहीं हुआ. वो अपने ही मार्केटिंग पे अड़ा रहा कि हम तो मार्केट लीडर हैं, वी वोंट शिफ्ट इन टू द डिफरेंट सेट ऑफ एक्टिविटी. वो एंड्रॉयड में आया ही नहीं, क्या हो गया, कंपनी पूरी तरह से डूब गई नोकिया, बिकॉज दे आर अनएबल टू शिफ्ट देयर मार्केटिंग एक्टिविटी फ्रॉम देयर उबंटू OS था, आई फॉरगॉट द नेम, सिम्बियन, थैंक यू वेरी मच गिरीश, इट वॉज द सिम्बियन OS, जहाँ से वो शिफ्ट करके एंड्रॉयड OS के अंदर में आए ही नहीं. अब आए होते तो शायद हो जाते, लेकिन दे वर वेरी रिजिड, उनको लगा हमारी ब्रांडिंग इतनी स्ट्रांग है कि हमारा ही हैंडसेट लोग लेंगे, सिम्बियन ही OS चलेगा, और इसलिए हम लीडर हैं तो हमको कोई हिला नहीं सकता. अब मार्केटिंग एक्टिविटी स्ट्रैटेजी वहाँ चेंज की होती ना, तो डेफिनेटली आज भी नोकिया एप्पल से भी ज़्यादा मजबूत रहता. यस राणा इज आस्किंग समथिंग, यस शुभम वेलकम, आई वॉन्ट टू आस्क द क्वेश्चन, इफ वी आर नॉट एबल टू स्केल वन ऑफ द ब्रांड, वी गेट स्टक ऑन सम अमाउंट, वी कैनॉट क्रॉस दैट बॉर्डर, व्हाट्स द इश्यू? नाउ मिस्टर राणा, देर कैन बी अ मल्टीपल इश्यू इफ यू आर नॉट एबल टू स्केल विथ योर ब्रांड. देन कैन बी द इफ यू हैव द मल्टीपल प्रोडक्ट्स लाइक then also people get confused to buy the product or services from you. Like take in my case, okay, I have the different sets of products. I like to work on the branding also, brand logo, brand names. I create the brand strategy for the companies. Then I'm also into the numerology. I'm also into the graphology. That's connect with the logo designing only. I'm also into the signature reading and other work too. So many of the people, they get confused. कि वॉट आई एम इन टू, एम आई इन टू द न्यूमरोलॉजी, एम आई इन टू द वास्तु. तो अगर आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं एंड यू आर नॉट पोजिशनिंग योर सेल्फ, ओके, यू आर डनिंग ओनली वन प्रोडक्ट, इफ यू हैव द वन प्रोडक्ट, देन यू शुड हैव द क्लियर कट कम्युनिकेशन ऑफ योर ब्रांड टू योर टारगेट ऑडियंस और टू द प्रोस्पेक्ट. तो पहले तो कितनी मार्केटिंग प्रमोशन आपकी स्ट्रांग है वो दिखनी चाहिए.
If the marketing promotion, the communication is very strong, it's happened many a time, even with the one product, if the communication is not very clear, the customer is unable to connect or touch with your product or with your services. Okay, what are you into? Or maybe they do not know what type of problem you are able to solve. Like Rana, if you say you have only one product, okay, so what product can I get to know in the live, or you can put them into the messenger also, what is the product? Or चलो इट्स ओके यू डोंट टेल मी अबाउट योर प्रोडक्ट ऑल्सो. कुछ कुछ प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी रहती है रिसर्च की हुई. तो अगर आपको वो प्रोडक्ट है तो इसका कम्युनिकेशन पार्ट आपने क्या बनाया है, उसके क्रिएटिव्स कैसे बनाए हैं, ठीक है, उसके पेन पॉइंट मार्केट में है वो आपने अपने क्रिएटिव्स में और इन टू योर पी आर कैंपेन और इन टू द एड कॉपी हैव यू पुट डाउन दोज पॉइंटर्स इन टू योर एड कॉपी और इन टू योर ब्रोशर्स ऑल्सो. दैट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट. अगर वो नहीं डाला है तो भी कस्टमर समझ नहीं पाएगा. अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो, डायरेक्ट सेलिंग वी आर द वन ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग बेस्ट मैन्युफैक्चरर इन टू द लैपटॉप प्रोडक्शन एंड दिस इज द ब्लैब 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 दिस इज द लेटेस्ट ओएस दिस इज द दिस 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 आपने बता दिया, हु इज इंटरेस्टेड. लोग देखना ही नहीं चाहेंगे आप क्या लाए हो. पहले आपके उनके पेन पॉइंट क्या है आपको वो समझना चाहिए. अगर वो समझ कर आपने फिर प्रोडक्ट की पिचिंग की है तो अपने आप होता है. एंड नावाडेज द मार्केटिंग द सेलिंग इज बिकम वेरी इजी एंड वेरी टफ ऑल्सो. इजी फॉर दोज पीपल दोज हु आर एबल टू डिलीवर द पेन पॉइंट. यू आर अंडरस्टैंड द पेन पॉइंट ऑफ द मार्केट एंड ही क्रिएट द एड कॉपी, ही क्रिएट ब्रॉशर्स इन द ऑफलाइन और इन द ऑनलाइन इन सच अ वे कि इट इमिजिएटली हिट टू द पीपल कि हाँ दिस वॉज आई वॉज द लुकिंग. लाइक से फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मड, मिट्टी का बना हुआ ये वाटर बॉटल है. ओके, सो इफ आई वॉन्ट टू मार्केट दिस प्रोडक्ट आई विल से यर हु विल द परचेज यार. एवरीबडी हैज द अर्थन वेयर पॉट, एवरीबडी हैज दैट वॉट वी से RO UV filter in every house, especially into the metro city. Then how I will market my this products? अभी तक भी इसका बहुत बड़ा मार्केट है अर्थन वेल पॉट की वाटर बॉटल, विच इज मार्केट नॉट वेरी वेल. ओके, विच आई परचेज आई थिंक 160 रुपीज फ्रॉम मुंबई मार्केट. तो वॉट आई विल शो कि आर यू सफरिंग फ्रॉम द एसिडिटी, वॉट टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल आर यू इनटू, आर यू सफरिंग फ्रॉम द गैस्ट्राइटिस और यू फीलिंग वेरी लिथार्जिक. सो दैट मे बी रीजन इवन आफ्टर हैविंग अ वेरी गुड वाटर प्यूरीफायर और हैविंग द वेरी गुड लाइफ स्टाइल स्टिल देयर वुड बी इश्यू विद द कंजम्पशन ऑफ वाटर. डू यू नो दैट वाटर account for 70% of the system into your body, because our water body is 70% dull. Similarly, the earth is consists of the 70%. So when there is a maximum percent of 70% of water is there, and if it is having the toxicity in your water consumption, it may also lead to your water ailments, waterborne ailments. तो इट कैन ऑल्सो लिट द गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी. सो आर यू यूजिंग द RO फिल्टर. अब यहाँ पे क्या किया जाता है, हम सामने वाले दूसरा ब्रांड को नहीं, उसकी दूसरी टेक्निक जो वाटर की है उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, उसको नीचा भी दिखा सकते हैं, या फिर ये बता सकते उससे ज़्यादा हम ज़्यादा हैं. अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द रिपोर्ट, बाई ड्रिंकिंग द अर्थन वायर वाटर अर्ली मॉर्निंग और द एम्प्टी स्टमक कैन गिव यू रिलीफ फ्रॉम द एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी एंड गैस्ट्राइटिस एंड लॉट्स ऑफ 50+ एलमेंट. इट हैज बीन डॉक्यूमेंटेड थ्रू द यूनिवर्सिटी ऑफ एक्स वाई जेड. सो डू यू फील दैट इट इज द नेसेसरी, गो टेक अ अर्थनवेयर पॉट्स और ट्राई टू ड्रिंक द वाटर फ्रॉम द अर्थनवेयर यूटेंसिल. ठीक है, है वी हैव वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स वेर आई बीन नॉट अ पायनियर बट वी कैन से डेफिनेटली वी ऑल्सो हैव वन ऑफ द गुड ब्रांड्स विथ हेल्प यू इन टू सूथिंग योर हेल्थ एंड गिव द गुड बूस्ट इन टू योर इम्यूनिटी. वी हैव द अर्थनवेयर पॉट्स वाटर बॉटल्स. ठीक है, अब यहाँ आपने क्या किया, पहले आपने पूरी पेन पॉइंट बता दी, उसके बाद आपने उसके बेनिफिट्स बता दिए और ये बता दिया कि आप RO का वह पानी पियोगे उसके बावजूद भी बीमार शायद पड़ सकते हो. लेकिन अगर आपने ये अर्थनवेयर मिट्टी की वाटर बॉटल से पानी पिया तो आपकी जो हेल्थ इश्यू है वो डेफिनेटली अच्छी हो जाएगी. और उसमें मैंने एक और एड ऑन कर दिया, मैंने बताया ये डॉक्यूमेंट हुआ कि अर्ली मॉर्निंग में खाली पेट ऑन एम्प्टी स्टमक अगर ये बॉटल से पानी पिया जाता है मिट्टी के बर्तन से तो हेल्थ बहुत अच्छी रहती. तो इमीडिएटली उसको एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिला, आपने कुछ डॉक्यूमेंटेशन बता दिया, आपने कोई PDF बता दिया, आपने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी जो उसको नहीं पता थी. ठीक है, आई मीन इफ यू आर नॉट एबल टू क्या ये, तो ये बहुत ही सिंपल है आज के टाइम में, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. फर्स्ट इट वॉज वेरी टफ ऑन द ऑफलाइन मोड टू कनेक्ट विद द पीपल, बट नाउ इट इज़ वेरी इजी. यू कैन क्रिएट लॉट्स ऑफ कॉन्टेंट बेस्ड ऑन द मार्केट पेन पॉइंट्स, यू ट्राई टू मेक द प्रॉपर रिसर्च. तो राना आई विल से यू हैव टू डू द अगेन थ्रू द रिसर्च वेदर योर प्रोडक्ट
इस देर इज अ नीड इन टू द मार्केट. अगर नीड नहीं है तभी भी प्रोडक्ट नहीं चलेगा, या फिर अगर नीड है तो शायद आपके कम्युनिकेशन उस प्रोडक्ट से कनेक्टेड उसको कनेक्ट कर नहीं पा रही है ऑडियंस से, या फिर कनेक्ट कर भी पा रही है तो शायद प्राइजिंग का भी इश्यू हो सकता है, या फिर प्राइजिंग का भी यूज सकता है तो हो सकता है लॉजिस्टिक पैकेजिंग का भी यूज सकता है. मेजरली इंडिया इज अ प्राइस कॉन्शियस मार्केट, तो पीपल ऑलवेज लुक के चीपर कौन सा है. बट अगेन इंडिया इज अ मार्केट, अगर चीज़ बहुत अच्छी रही तो पीपल आर रेडी इवन टू पे फॉर हायर प्राइस. जरूर नहीं को अमीर इंसान ही खरीदेगा, ठीक है. आई हैव सीन इवन इन अ मिडिल क्लास परचेसिंग अ वेरी प्रीमियम प्रोडक्ट्स ऑल्सो एंड इवन इन अ लोअर मिडिल क्लास ऑल्सो. ओके, आई एम गोइंग फॉर द इंटरनेशनल मार्केट टूडे. येस, इवन इफ यू आर नॉट गोइंग फॉर द इंटरनेशनल मार्केटिंग, अगेन यू हैव टू चेक इन टू दोस मार्केट वेदर इज द यूरोपियन कंट्रीज, एशिया स्पेसिफिक कंपनी, ठीक है. आई एम नॉट गेटिंग द परफेक्ट प्रोडक्ट टू लॉन्च ऑन माई स्टोर. देन मिस्टर राणा, यू हैव टू अगेन डू द टूर ऑफ रिसर्च वॉट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स. देर वॉज वन टूल इन टू द डिजिटल, आई फॉरगॉट, लेट मी चेक, आई थिंक आई हैव सेव समवेयर, ठीक है. नेक्स्ट जब मैं लाइव आऊँगा प्रॉबेबली ऑन ट्यूजडे, ठीक है, तो यू बी देयर एंड जस्ट मेक मी रिमाइंड अबाउट दैट टूल विच इज वेरी हेल्पफुल इन टू द रिसर्च ऑफ एनी प्रोडक्ट. वन साइड इज दैट आई थिंक दैट इज द अलीबाबा. यू कैन गो टू द अलीबाबा इफ इट इज द ओके यू हैविंग लॉन्चिंग इन द USA. यू गो ऑन द alibaba.com. ओके, इट इज अ वेरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर फ्रॉम द चाइनीज मार्केट एंड सी दैट वॉट टाइप ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट. इवन द क्रोम एक्सटेंशन इज ऑल्सो अवेलेबल ऑफ द अलीबाबा. Install the Chrome extension, no need to pay extra money, and start looking into the all the products. And then in the incognito mode, check the these products are also there into the Amazon.com and other e-commerce portals into the USA. Okay, Walmart. Paint topic I like use that for launch. Yeah, pain point topic you like to launch. That's very true. But before that, directly moving into the pain point, first we have to give the lots of information, Rana. The more you give the information about the not product, about those areas, I have been talking from last 4 to 5 days more on the branding. So people are asking me more of the branding, launching of the products, what is the brand management, because they understand ki haan isko ye cheez ka knowledge hai. Agar main directly bolungi, you can purchase my course on the brand management. It is just at the 999, and it is one of the awesome course, very good course. I am offering with it 5,000. I am offering at the 999. Nobody will purchase. कोई purchase करेगा ही नहीं, because they feel ये तो यार selling कर रहा है. तो before the selling, there is a need for the marketing promotions. Okay. So for the US market, again you have to, if whether the US market or whether the Indian market or Asia की कोई भी market हो, you have to do the tour of research. Then only you can do something. Before doing any research, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट मुझे पता है नहीं कि कौन से प्रोडक्ट पे आप पिचिंग करना चाह रहे हो US मार्केट में, और वहाँ पेन पॉइंट क्या है, डेमोग्राफिक आपको देखना है, वेदर इट द सुटेबल फॉर अ मेल और फीमेल, व्हाट इज द एज ग्रुप यू आर कैटरिंग, इट इज़ फॉर द बैचलर और फॉर अ डिवोर्सी, फॉर अ मैरिड कपल, फॉर अ सिंगल मदर, इट इज़ ओनली फॉर द 50+, इट इज़ फॉर द स्टूडेंट लाइफ. तो प्रोडक्ट ये मेरा प्रोडक्ट सही है उस चीज के लिए. तो अगेन एज आई से, डू द ट्रूथ ऑफ रिसर्च जनाना, देन ओनली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. ओके, हेलो दीपक स्टॉक बाजेगर, गुड टू सी यू ऑन द माई फेसबुक, आई मीन इंस्टाग्राम लाइव. सो अगेन इन द नटशेल आई विल से, बिफोर द ब्रांडिंग इज डन, द मार्केटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मार्केटिंग आप नहीं करते हो तो आपकी ब्रांडिंग होगी नहीं. तो मार्केटिंग कम फर्स्ट, then only the later come the branding. So that is only the conclusion of this session. So the more you done the marketing and create a good marketing strategy, it create and it impact your branding also. Okay, so I hope I have given enough of the informations which can give you a good brainstorming in your businesses. If you have any other question, you can ask me. Thank you Stock Bajigar. So ab main direct Monday ko wapas aunga. There would be another topic again on the brand and brand management. Okay, and slowly and steadily I would like to cover all the other aspect of the brand and brand management, even the logo, brand name, company's name, kaisi sari cheeze ki jati, because I am doing in my clinical practice also how to create a brand name, how to create a branding. So thoughts, instead of working on a clinical part on a practice area, why not to create a content and give it to my audience. Isliye maine ye Instagram live start kiya hai. Okay, so thank you very much for listening to me. Yes, Rana, you can DM me. Okay, thank you for listening to me, and I will see you on Tuesday on an Instagram live, probably in the morning between 9 to 10 or 10 to 11.
Okay, thank you, Amish Shukla, for joining. But now the session is almost come to an end. You can watch the complete recording also. Okay, bye bye and take care. If you have any questions, you can DM me or you can put down into the comments also. Okay, bye bye.